क्लासेस, जैसे कि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप में से किसी ने फिल नहीं किया तो प्लीज़ टाइम पे फिल कर लेना, लास्ट डेट के भरोसे मत रहना, ठीक है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपको जो भी फॉर्म्स निकलते हैं, करंट अफेयर हैं, नोट्स हैं, जितना भी स्टडी रिलेटेड यानी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। आज हमसे हमने शुरू करी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2008 से लेकर 2017 तक के, वो सभी क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डे बाय डे हम इसको सॉल्व करेंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो 2008 से हमने शुरू किया। पहला पेपर 26 अक्टूबर 2008 का है। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन थे और क्वेश्चन जो है वो मिक्स है, सेक्शन नहीं था। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थे रीजनिंग के, फिर जीके आई, फिर मैथ्स के क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं, फिर जीके आ रही है, ठीक है। तो एक से लेके 100 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हम एक से लेके 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, यानी इसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और जीके भी है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट इसमें है, मैथ्स के दो चार क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सिमिलर जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो हम एक से 50 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 51 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 26 अक्टूबर 2008 पेपर फर्स्ट है ये, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम रीजनिंग 13, 20, 27, 17, 33, 9, 10 और 11, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करके है, 13, 20 एंड 27 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो दे रखी है 17, 33, 9, 10 और 11, ठीक है। ये वाली सीरीज जो है वो सिंपली आपको पता चल रही है कि यहाँ पे जो है वो प्लस वन की सीरीज बन रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस सेवन और प्लस सेवन, ठीक है। और जो बीच की ये रहेगी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या कर रखा है, ये सेवन और ये वन, यानी सेवन प्लस वन यानी एट। तो बीच वाली जो सीक्वेंस है वो आपकी प्लस एट की है। 17 प्लस में 8 करोगे तो क्या आएगा 25, और 25 में 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 33, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन 25, ठीक है। तो प्लस 7 ऊपर की सीरीज थी, नीचे प्लस 1 की सीरीज थी, तो प्लस 7 प्लस 1 कर दे यानी 8। और जो मिड में सीरीज है जो बीच वाली है, तो 17 प्लस 8 25 25 प्लस 8 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगला क्वेश्चन है 13, 16, 27, 23, 16, 37, 45 क्वेश्चन मार्क और 91 यानी 91, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। इसमें 13, 16, 27 नेक्स्ट है 23, 16, 37 और उसके बाद है 45 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 91, ठीक है। इन दोनों का सम करोगे, 13 और 23 का सम आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है। 16 और 16 यानी 32 यहाँ पे इन दोनों का सम आ जाएगा 32। 27 प्लस 37 करोगे तो 64, ठीक है। अब आपको देखना है 36 से 45 कैसे आया है और 64 से 91 कैसे है। उसी तरीके से आप 31 से अपना आंसर निकाल लोगे 32 से, ठीक है। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, तो 36 प्लस में 9 करेंगे तो कितना आएगा 45, ओके। 9 की टेबल देखो, यहाँ पे आप 64 में क्या ऐड करोगे कि 91 आएगा यानी 27। तो 9, 27, 9 1 जो 9, 9 3 जो 27 यानी 9 2 जो 18। तो यानी आपको 32 में क्या ऐड करना है, 18 ऐड करना है। 32 में 18 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिंपल था, पहले के जो दो हैं इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद प्लस 9
प्लस 18 और प्लस 27 यानी 9 की जो टेबल है वो ऐड करते गए, 9, 18 और 27, ठीक है। इन दोनों का सम कितना आया, 36, 36 में हमने 9 ऐड कर दिए तो कितना आ गया 45 यानी 45। इन दोनों का सम कितना आया 64, 64 में क्या ऐड करोगे कि 91 है 27, तो 9 1 9 और 9 3 27, तो बीच वाले टर्म में क्या आना चाहिए था 9 2 यानी 18 ऐड होना था, तो 32 में हमने 18 जोड़ दी तो आंसर क्या आ गया आपके पास 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 4 5 3 15 18 12 48 क्वेश्चन मार्क 39, तो देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। तो इसमें देखो क्या कर रखा है, 4 4 5 3 15 18 और 12 और 48 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे 39, ठीक है। देखो थोड़ा सा ना, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आपको अगर नंबर्स की पहचान है ना, तो देखने से ही ये सीरीज़ जो आपको बहुत क्लियरली पता चलेगी इसमें क्या कर रखा है। देखो इन दोनों का सम करोगे 8 और 8 का हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4, क्लियर, ठीक है। सिमिलर इन दोनों का सम कर दोगे तो क्या आएगा 30, कलर चेंज कर लेते हैं हम 30, ठीक है, और 30 का हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा 15, क्लियर ना। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे इन दोनों को ऐड और हाफ कर दोगे तो क्या आएगा 48 आएगा, ठीक है ना। सिंपल कर सकते हैं इसको, तो या आप सिंपली कर सकते हो। सिंपली इसको कैसे करोगे कि बेसिकली आपकी टर्म क्या बन रही है, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे इसको ए ए बी और सी मान लेते, तो हम क्या कर रहे हैं बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो आपको क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है ए, यही चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 2 × में ए के, तो ए आपके पास क्या है 48, यानी आप 48 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है 96। यहाँ पे आपके पास बी नहीं है, सी है हमारे पास, सी कितना है हमारे पास 39, तो बी आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हो, 96 में से 39 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। तो बी आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 16 में से 9 माइनस कर दोगे 7 यानी 57 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो सिंपली था कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ठीक है, सिंपल था। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आता तो आप जो फॉर्म इसमें बन रही है उसको मैथमेटिक फॉर्म में लिख दो और जो वैल्यूज़ आपके पास हैं पुट कर दो, तो जो आपके पास नहीं है वो आपकी ईजिली निकल आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 7 21 8 17 क्वेश्चन मार्क 5 12 11 और 13, देखते हैं इसमें क्या करके हैं। 7 17 12 21 क्वेश्चन मार्क 11 8 5 और 13, ठीक है। देखो इसमें कर रखा है इन्होंने, इनका सम करोगे 7 21 और 8 का, 7 + 21 प्लस में 8 आपके पास कितना हो जाएगा 36, क्लियर। यहाँ पे आप इसका सम करोगे 12 + 11 + 13, तो इसका सम भी क्या आएगा 36 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो रो है ना उसका सम कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो हमें रो का सम क्या करना है 36 करना है, तो 17 + 5, ठीक है 17 + 5 कर दोगे और 36 आने के लिए आप उसमें क्या करोगे 17 + 5 यानी 22 और 36 में से 22 को माइनस कर दोगे, इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 14, यानी क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। सिंपल था कि जो रो है, रो का जो सम है वो कितना है 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है।
210, 120, 60, 60, 24, 6 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 90 का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 60 का है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपके पास है 36 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपके पास कितने का है, 18 का। ठीक है, थोड़े टेबल से सिमिलर से लग रहे हैं, आप इसको आगे और यहाँ पे देखना है हमें कितने का है। यहाँ पे आप कर सकते हैं 30 का, ठीक है ना, और इस तरीके से नहीं करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस नंबर का जो है ये किसी सेम नंबर को किससे मल्टीप्लाई करके है। ठीक है, आप देख के बता सकते हैं कि ये जो सारे हैं ना ये 6 के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ, 18 की बात हम करते हैं, तो 18 जो है वो 3 6 जा, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 6 इंटू में 6, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप 10 इंटू में 6, ओके, और यहाँ आप देखोगे 15 इंटू में 6। तो 6 तो कॉमन है, यानी जो भी नेक्स्ट नंबर माइनस करना है वो मल्टीप्लाई है 6 का, लेकिन किससे करें, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, 10 है, 6 और 3 है। तो आप इसका सीक्वेंस देखो, यहाँ पे माइनस 5, ठीक है, ओके, 4 3, तो नेक्स्ट क्या कर रखोगा, माइनस 2, यानी 3 में से माइनस 2 करोगे यानी 1, यानी 1 इंटू में 6 यानी 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। तो 6 माइनस करोगे 6 में से, तो 6 में से 6 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ आपको कैच नहीं होती है तो आप फिर सीधा नीचे क्या करते जाओगे, डिफरेंस लेते जाओगे और फिर वो ऊपर ऐड करते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन है 37, 31, 26, 22, 19, 17 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, देखो 37, 31 कितने का डिफरेंस है, 6 का। 26 नेक्स्ट नंबर है, कितने का डिफरेंस है, 5 का। नेक्स्ट है 22, कितने का डिफरेंस है, 4 का। इसमें तो सिंपल क्या है, 6, 5, 4। नेक्स्ट देखते हैं 3, 17 में 2 का, यानी अब कितने का आएगा, 1 का आएगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 5, 10, 17 क्वेश्चन मार्क और 37। तो 5 प्लस 5 5, 10, 17 और क्वेश्चन मार्क 37। तो यहाँ पे तो क्या कर रखा है, प्लस का 5 है, यहाँ पे प्लस के 7 है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो प्लस 5 प्लस 7 यानी 2 पे, या आप कह सकते हो ओड नंबर जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो 7 के बाद जो ओड नंबर आएगा आपका क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 9 यहाँ पे कर लो, 17 प्लस में 9 आप करोगे तो 26 आएगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। 9 के बाद जो ओड नंबर आएगा वो 11 आएगा, इसका मतलब 26 प्लस 11 कितना होता है, 36 होते हैं, यानी जो हमने पैटर्न लगाया है प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 का, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पे करना पड़ेगा हमें, 3, 5, 8, 13, 21 और 34 है। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कि इसमें नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या आएगा, ये तो बिल्कुल देखने से पता चल गया इसमें क्या कर रखा है, 8, 13, 21 और 34 और नेक्स्ट आपको बताना है। देखो इन दोनों का सम करो, देखो इससे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 2 कर रखा है, 5 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। 13 प्लस में 8 करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 21 प्लस में 13 करोगे तो क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। और 34 प्लस 21 करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा आपको, 55, यानी ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, बस प्रीवियस नंबर जो है वो ऐड कर रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 जो है 3, 4, 10, 33 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 3, 4, 10, 33 क्वेश्चन मार्क। 3,
देखो ये जो है आप कह सकते हो 3, 4, 10, 33 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप बात करो तो सिंपली प्लस वन कर रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस का क्या कर रखा है, 6 कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा हमारा, इस तरीके का कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब आपको प्लस करने पे सीक्वेंस ना बने तो इसका मतलब कुछ स्केयर करके फिर प्लस ऐसा कुछ कर रखा है। तो 3 के बाद नंबर जो है 4 आया, तो 3 × 1 कर सकती हूँ, प्लस में 1 लिखोगे तो नेक्स्ट नंबर आ गया 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 8, और 8 में 2 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। 10 में मल्टीप्लाई करो 3 से, प्लस का 3 कर दो तो 33 आ जाएगा, इसका मतलब क्या कर रखा है, 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 4 ऐड कर दूँ तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 33 × 4 करोगे तो कितना होता है, 132, एंड 132 प्लस में 4 करोगे तो 136 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी रीजनिंग से ही है, देखो 10th क्वेश्चन है। किसी बगीचे में गुलाब के पौधे की 8 पंक्तियाँ एवं 10 कतारें हैं, ठीक है, कोई गार्डन है उसके अंदर गुलाब के फूलों की 8 रो हैं और 10 कॉलम हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से 8 रो और इस तरीके से 10 कॉलम हैं, ओके। उसके बाद क्या कहा गया है, प्रत्येक पौधे के बीच में 2 फीट की दूरी है, ठीक है, तो हर पेड़ के बीच में 2 फीट की दूरी है और बगीचे की सीमा के चारों किनारे से 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया गया, ठीक है। तो जो ये अगर बगीचा है तो यहाँ से उन्होंने 1 फीट का डिफरेंस जो है वो ले रखा है, तो बगीचे की लंबाई आपको ज्ञात करें कि तो जो बगीचा है ना वो कितना बड़ा है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 10 कॉलम्स हैं, ठीक है, 10 कॉलम्स हैं, तो 10 कॉलम्स के बीच में हम देखते हैं कि पहले कितनी दूरी आई है, ठीक है। तो 10 कॉलम्स के बीच में, यानी देखो अगर 10 कॉलम के बीच की बात करें, अगर ये 4 लाइन है तो 1, 2, 3 ही आएगा ना इस तरीके से, ठीक है। तो यानी आपके पास जो 10 कतारों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 × 2 यानी कितनी हो जाएगी, 18 फीट हो जाएगी, ठीक है, 18 फीट। अब इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ से, ठीक है, 2 फीट की दूरी है, तो यानी जो 10 कतारें हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 9 × 2 यानी 18 फीट होगी। अब बगीचे की लंबाई की बात करते हैं, तो बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, इन्होंने बताया कि चारों किनारे से इन्होंने 1 फीट की दूरी को छोड़ा गया है, ठीक है, 1 फीट की दूरी को छोड़ा गया है, तो आपको बतानी है कि बगीचे की लंबाई कितनी है, हमें सिर्फ लेंथ बतानी है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि ये जो बगीचे में जो फ्लावर्स लगे ना ये 18 हैं, यहाँ से 1 फीट छोड़ा होगा, यहाँ से 1 फीट छोड़ा होगा, तो प्लस 1 और इसमें प्लस 1, ठीक है। तो बगीचे की पूरी लंबाई कितनी होगी, 20 फीट की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से इसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या क्या होगी, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सिंपली आप इसको ना ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से ही करना ठीक भी रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे इसमें क्या करो, 27 + 18 करके देखो, तो जब आप ऐड करोगे तो आप ऐड कर लोगे, 27 + 18 करोगे तो 45 है, तो क्या ये नंबर चेंज हुआ, नहीं हुआ, इंटरचेंज नहीं हुआ। 34 में जब आप 18 ऐड करोगे तो 42 आए, तो भी ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट 45 है, 45 + 18 करोगे तो 53 आएगा, तो भी ये भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है 57, जब 57 में आप 18 ऐड करोगे तो आपके पास 75 आएगा, यानी 57 का अपोजिट उल्टा हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे नंबर्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट। 13th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपको ग्रेड दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी
जो इनकी पोजीशन होती है, पहले क्या आते हैं, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये मैंने पूरे फ़ोटो लगा दिया। आप उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेंगे। जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि थ्रेड को कोड लिखा गया है दिस वन, तो आपको उसी तरीके से बताना है कि नंबर का जो कोड है वो क्या होगा। ठीक है, तो थ्रेड को देखते हैं, इसमें थ्रेड को कैसे लिखा गया है, टी एच आर ई ए डी, और थ्रेड का जो कोड है वो है एस आई क्यू एफ जेड ई। ठीक है, आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि इसमें क्या करके, देखो ये तो -1, यहाँ पे +1, -1, +1, -1 और +1। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे जो सीक्वेंस बना है वो सीक्वेंस बना है -1, +1, -1, +1 का। ठीक है, तो नंबर यानी n से जब आप शुरू करोगे तो आप n में क्या करोगे, माइनस का 1 करोगे। जब n नंबर जो है आपके पास, नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर -1 करोगे तो m आएगा, तो ऑप्शन सेकेंड और फोर्थ तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, -1 के बाद आपको करना है +1, यानी यू में जब आप +1 करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, वी आएगा। तो यहाँ पे आपके थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। बाकी आप इसको कंप्लीट कर लेना -1, +1, -1, +1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आधे का आधा, एक तिहाई का एक तिहाई, एक तिहाई का दो तिहाई और आधे का चौथाई, इनमें से आपको ये बताना है कि सबसे कम कौन सा है। ठीक है, सबसे कम इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो आधे का आधा यानी हाफ इंटू में हाफ यानी 1/4। ठीक है, एक तिहाई का एक तिहाई यानी 1/3 का 1/3 यानी 1/9। ठीक है, उसके बाद है एक तिहाई का दो तिहाई, यानी एक तिहाई का दो तिहाई, इसका मतलब 2/9। नेक्स्ट है आधे का चौथाई यानी हाफ का 1/4, इसका मतलब 1/8। ठीक है, और इसमें से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, इसमें से सबसे छोटा जो होगा वो 1/9 होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है इसमें कौन सा है, 1/9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फॉरेस्ट का कोड दिया गया, नियर का कोड दिया गया, टाई का कोड दिया गया, इसी तरीके से आपको ऑपरेशन का कोड जो है वो बताना है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना होता है कि जो आपको पूछा गया ना, जैसे यहाँ पे ऑरेशन का पूछा गया है, तो क्या सारे वर्ड्स दिए हुए वर्ड्स भी हैं या नहीं है। जैसे यहाँ पे ओ आपको फॉरेस्ट में मिल जाएगा, आर भी आपको फॉरेस्ट में मिल जाएगा, ए आपको नियर में मिल जाएगा, टाई में से आपको आई मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सारे वर्ड्स जो है वो गिवन में हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप लिख लोगे, एफ का कोड 1 हो जाएगा, ओ का कोड 3 हो जाएगा, आर का कोड, इस तरीके से आप इसको ईजिली लिख लेंगे। ठीक है, तो ओ का कोड है यहाँ पे 3, हमें ओरेशन का लिखना है, तो इसका कोड आया 3, तो यहाँ से आपके फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। ठीक है, आर का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में है। उसके बाद ए का कोड क्या हो जाएगा, ए का कोड जो है वो 2 हो जाएगा, ये भी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में है। उसके बाद है टी, आपका फॉरेस्ट, वहाँ पे टी का कोड जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन को का कोड लिखा गया, थॉट्स का कोड लिखना है आपको। देखो कॉटन का कोड कैसे लिखा गया, कॉटन के ही वर्ड्स को इधर उधर इंटरचेंज कर दिया है।
कॉटन, ठीक है, और इसको लिखा है टी ओ सी एंड ओ टी, पता चल के क्या कर रखा है, बस ये काम कर रखा है, तीन तीन के पेयर बना लिए और उनके इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आपके थॉट्स लिखा गया, तो थॉट्स यानी चार चार के पेयर बन, चार का पेयर बनेगा, जी एच टी एस, ठीक है। तो यू ओके, तो यहाँ से आपके फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओ एच टी। तो यहाँ से आप फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको एक स्टेप में, दो स्टेप में, जैसे जितने मिनिमम स्टेप में आप अपना ऑप्शन करेक्ट कर सको उतना ही बेटर होगा, ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। ज़रूरी नहीं होता है कि पूरा ही थॉट्स का पूरा ही लिखना है आपको, आपको दो नंबर में पता चल रहा है तो आप वहीं पे उसको कर दो टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ओड बताना है कि इनमें से ओड कौन सा है, ठीक है। तो पहला है आर पी क्यू टी, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है वो माइनस टू कर रखा है, यहाँ पर आपने प्लस का वन कर रखा है, और यहाँ पे आपने प्लस का थ्री कर रखा है, ठीक है। जी ई एफ एच, ठीक है, यहाँ पे माइनस का टू है, यहाँ पे प्लस का वन है, और यहाँ पे आपके पास प्लस का टू है, ठीक है, ओके। उसके बाद है वाई डब्लू एक्स ए, तो यहाँ पे आपने कर रखा है माइनस का टू, यहाँ पे किया हुआ है प्लस का वन, और यहाँ पे किया हुआ है प्लस का थ्री। तो अभी तक तो ये जो है वो यहाँ पर ओड है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, और नेक्स्ट में से चेक क्यों करना, जब तीन हमने चेक कर लिया और तीन में से हमें एक ओड मिल गया तो वही क्या होगा, ओड होगा। तो आप यहाँ तक भी ऑप्शन सेकंड को मार्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो है वो है माइनस टू प्लस वन प्लस थ्री का, जो इसको फॉलो नहीं कर रहा वो यहाँ पे डिफरेंट है, ऑप्शन टू जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 की ओर मूव करते हैं हम, 19 सी जी एन एक्स, सी जी एन एक्स, इसमें भी आपको ओड बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने कर रखा है प्लस का फोर, यहाँ पे आप देखेंगे तो जी और एन यानी प्लस का सेवन, जी की प्लेस वैल्यू सेवन होती है, एन की प्लेस वैल्यू फोर्टीन होती है, यानी प्लस का सेवन कर रखा है हमने, और यहाँ पे आप देखेंगे तो n की प्लेस वैल्यू 14, x की प्लेस वैल्यू 24 होती है, यानी आपने कर रखा है प्लस का 10। तो यहाँ पे ये पैटर्न अभी हमारे पास आया है। नेक्स्ट है आई एम टी डी, यहाँ पे भी क्या रखा है हमने, प्लस का 4, यहाँ पे भी है प्लस का 7, m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, ठीक है, और t की प्लेस वैल्यू 20 होती है, और यहाँ पर T की प्लेस वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है। यहाँ पे माइनस नहीं, आप रिवर्स जाओगे, ठीक है, तो रिवर्स जाओगे तो यहाँ पे क्या कर रखा है, प्लस का 10 कर रखा है, ओके। तो ये दोनों अभी तक तो सेम आए। नेक्स्ट आपके पास जो जून जैसा दिख रहा है लेकिन जून है नहीं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस का 4, जी की प्लेस वैल्यू 10 होती है, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी ये यू है, ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस का 7 ही कर रखा है, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके पास यू है, आप रिवर्स में जाओगे ई है, तो यहाँ पे भी प्लस का 10 है। तो हमने तीन चेक कर लिए और तीनों जो है वो ना सेम पैटर्न फॉलो करके, इसका मतलब जो फोर्थ है वो डिफरेंट है, फिर भी हम उसको चेक कर लेते हैं कि है या नहीं है। तो फोर्थ जो है वो ओ आर वाई जे है, तो यहाँ पे ओ और आर प्लस का 3 करके है, राइट, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, तो प्लस का 3 करके, तो पहले में ही हमें पता चल गया कि ये डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब प्लस 4 का पैटर्न फॉलो कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ओड फाइंड करना है, आप आई थिंक खुद फाइंड कर लेंगे, ठीक है,
इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर जो है ऑप्शन फोर जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दिए, नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि साथ साथ के हम इसको सॉल्व कर सकें अगर नहीं होते हैं तो। ओके नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो रिलेशन छाता और धूप में है वैसे ही रिलेशन ओजोन और इनमें से किस में है। ठीक है, तो जब धूप होती है तो आप क्या लेते हो, छाता लेते हो धूप से बचने के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें किससे बचाती है, यूवी रेस से। ठीक है ना, नेक्स्ट है संगीत ताल डिजाइन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जो संगीत होता है उसमें एक म्यूजिक होता है, ठीक है ना, सॉन्ग्स होता है उसके अंदर क्या होता है, म्यूजिक होता है। उसी तरीके से आपको डिजाइन में बताना है कि डिजाइन में क्या होगा। ठीक है, तो डिजाइन में जो होता है वो उसी तरीके से क्या होती है, सम मीति होती है। नेक्स्ट है रतौंधी विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन से डिजीज होती है, रतौंधी होती है, आँख की डिजीज है ये। उसी तरीके से आपको बताना है स्कर्वी किसकी डिजीज है, किसकी कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट है बढ़ई आरी मेसन। ठीक है, बढ़ई जो होता है जो लकड़ियों का काम करता है उसका औजार होता है जिसका वो यूज़ करते हैं कारपेंटर, आरी। ठीक है, इसी तरीके से आपको मेसन का बताना है कि मेसन जो है उनका औजार क्या है। मेसन जो होते हैं बेसिकली जो घर बनाते हैं राजमिस्त्री होते हैं उनको मेसन बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें से कौन सा औजार है उनका। ठीक है, तो आप करनी जो है वो उनका औजार है। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 फूल गुलदस्ता अपराधी। जो फूल होता है उसके जो गुच्छा होता है, ठीक है, यानी फूल जब इकट्ठे हो जाते हैं उसके हम क्या बोलते हैं, गुलदस्ता बोलते हैं, बुके बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्रिमिनल। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि जब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूल होते हैं जब उन हमको इकट्ठा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। इसी तरीके से जब क्रिमिनल्स होते हैं उनको जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से आपको क्या बताना है, निम्नलिखित में से प्राणियों का समूह कौन सा अनियत तापी है। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा यहाँ से इंग्लिश में कर लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो है उसका सेट आपको फाइंड करना है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो ठंडी जगहों पे रह सकते होते हैं। ठीक है, जिनका ब्लड जो होता है वो ठंडा होता है, क्रो, क्रो आपको पता है नॉर्मली धूप में, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्रो इसमें आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। काओ भी आपको दिख जाएगी नॉर्मली बाहर धूप में, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती है, ठंडी जगहों पे नहीं होती है। उसके बाद है पेंगुइन, अगर पेंगुइन का आपको नहीं पता, पेंगुइन तो जो होती है वो ठंडी जगह पे ही होती है, पर यहाँ पे जो मोंकी आ गया साथ में तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है रोहू मेंढक और कछुआ। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं डायनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव, जो इसकी रिसर्च की गई थी वो 1831-1832 में माइकल फेराड ने की थी। ठीक है, और इसके से क्या होता है, जो डीसी करंट है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ये तो सबको जिसने स्टार्टिंग में पॉलिटी लर्न करनी शुरू करती है सबको ये पता होती है। इसमें से आपको ये बताना है पारुक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सबको पता होता है कि पारुक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जिसको हम ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी कक्षा में 41 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 16 है, ओके 41 बच्चे हैं जिनकी औसत जो है वो 16 है, 3 महीने पश्चात 17 वर्ष एवं 18 वर्ष के 2 छात्र निकल जाते हैं तथा 20 वर्ष का 1 छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है, तो आपको ये बताना है कि कक्षा का औसत आयु कितनी हो जाएगी। तो आप इसको कैसे करोगे, पहले इनका सम निकालोगे, 41 बच्चों का ये आ जाएगा आपके पास सम 656, ठीक है 656। अब क्या है, 3 महीने के बाद क्या हुआ है, 17-19 वर्ष के 2 बच्चों को कक्षा से निकाल दिया जाता है और उनकी जगह जो है वो 20 वर्ष का बच्चा आ जाता है। तो 3 महीने में एवरेज भी इंक्रीज हुआ होगा ना, 41 के 41 बच्चों का 3 महीने और एवरेज इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो यानी 3 इंटू में 41, इसका मतलब 123 मंथ्स, ठीक है। इसको आप 3 इंटू में 41 और 123 मंथ्स, इसको आप ईयर में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि ये वाला मैटर जो हमारे पास वो क्या है, ईयर में है। तो 123 मंथ्स को जब आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास 10.25 ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट में जो 41 बच्चे हैं उनका जो एवरेज है ना वो कितना है, 6.25। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, क्योंकि ये वाली बात तो 3 महीने पहले की थी, ठीक है ना। बच्चे तो 3 महीने के बाद निकाल रहे हो, जब निकाल रहे हो तो उस टाइम कितना एवरेज है सबका, इतना, ठीक है। अब इसमें से 17 और 19 वाले तो चले गए, ठीक है, 17 प्लस में 19 माइनस में 20 कर दोगे आप, ठीक है। तो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 650.25, ठीक है। सिंपली आप कर दोगे 17 प्लस 19 माइनस में 20, यानी 17 और 19 वाले चले गए और उनकी जगह कौन आ गया, 20 वाला आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज हुआ। अब बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने हैं हमारे पास, बच्चे देखो 2 गए हैं और 1 आया है, बच्चे 2 गए हैं और उसकी जगह पे 1 आया है, इसका मतलब बच्चे कितने हो गए आपके पास, 40 हो गए, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दोगे 40 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर जो है वो आपको मार्क करना है, देखो कैसे, 16 वर्ष से कम, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि ये 16 से कम आ रहा है या 16 से ज़्यादा आ रहा है, 16 वर्ष या बिल्कुल 16 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नहीं आएगा, 2.5 आ गया यहाँ पे, तो 16 तो नहीं आएगा, 16 से अधिक तथा 20 वर्ष या 20 वर्ष, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक इज अ सिस्टम दैट प्रमोट्स, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना वो इसमें से किसको बढ़ावा देती है, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो आप जो फ्री एंटरप्राइज होते हैं उनको क्या करती है, बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक खेल 2008 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, तो सबसे ज़्यादा जो है वो किसने जीते थे पदक, यूएसए ने, टोटल उन्होंने 110 पदक जो है वो जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में एक भी पदक नहीं जीता है, ठीक है, ये सारे इंडियंस के हैं। तो यहाँ पे पहला नाम है अभिनव बिंद्रा का, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा में 2008 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये तो है नहीं। उसके बाद है यहाँ पे विजेंद्र कुमार का, ठीक है, विजेंद्र कुमार जो है वो क्या है, मुक्केबाज है और उन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। उसके बाद है सुशील कुमार, इन्होंने भी जीता था कुश्ती में, सिर्फ अखिल कुमार ने कोई भी मेडल जो है वो जीता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें से आपको ये उस टाइम का क्वेश्चन है, ये बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर इन इंडिया, ये 2008 का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है, आंसर है यहाँ पर
ये जो क्वेश्चन है ना, इसके सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। ये उस टाइम में डाउट में था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कार 51 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी, ठीक है। कुछ नहीं है, ये आपको यहाँ पे किलोमीटर में दे दिया है, ये आपको मिनट में दे दिया है, बस इसको आपको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज कर देना है। तो टाइम को किलोमीटर में चाल को आप चेंज करोगे, तो चाल को आप 10, हमें किस में चेंज करना है, हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। जब सेकंड से आवर में जाना होता है तो इसको आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से, ठीक है। तो यानी ये आपके पास जो स्पीड आ गई, वो स्पीड आ गई हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस भी दे रखा है कितना, 81। बस 81/36 कर दोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा, और टाइम जो आपके पास आएगा वो आएगा 2 घंटे 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि पुलिस स्वर्ण उत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शामिल होता है उसमें क्या होता है, सभी जो सांसद होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर 37, मैथ्स का क्वेश्चन है ये। एक पार्टी के समाप्त होने पर कुल 28 बार हाथ मिलाए जाते हैं। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो आपको ये बताना है कि पार्टी में कितने लोग शामिल थे। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है 56 और 14, 56 और 14, ये तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि अगर 56 लोग हैं तो हैंडशेक जो है वो 56 से ज़्यादा होने थे, लेकिन हैंडशेक कितने हुए हैं, 28 हुए हैं, ठीक है। और 14 भी नहीं होगा सिमिलर। यहाँ पे करना क्या होता है, दो ऑप्शन बच गए आपके पास, 8 और 7, इनमें से कोई एक जो है वो करेक्ट आंसर है। अब अगर मैं मानूँ कि 8 पर्सन है तो 8 जो है वो अपने आप से तो हैंडशेक करेगा नहीं, नहीं करेगा ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 से शुरू कर देना है, ठीक है। हम अगर ऑप्शन 8 ले रहे हैं तो ऑप्शन 8 ले रहे हैं कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये बंदा अपने आप से तो हैंडशेक करेगा नहीं, यानी यहाँ से शुरू करोगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर इसका सम 28 आ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या है, 8 है। अगर मैं बात करूं कि पार्टी में 7 लोग थे तो आप सम कहाँ से शुरू करोगे, 6 से करोगे। अगर 6 से सम 28 आ रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। इसका सम जो है वो बराबर किसके, 28 के, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको कहना चाहूँगी, मतलब 12 तक तो आप हैंडशेक लर्न कर लो, ठीक है, कि 12 लोग होते हैं, 15 लोग होते हैं, तो कितने हैंडशेक क्यों हैं, कि आपको लर्न होना चाहिए ताकि आपको ये फालतू की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें से आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है। ओके, तो जैसे कनाडा, चिली और जर्मनी के बीच में रिलेशन है ना, वैसे रिलेशन आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कैस किसके साथ। तो यहाँ पे सिंगापुर जो है ना वो करेक्ट आंसर रह जाएगा, बिकॉज जैसे कि जर्मनी, कनाडा और चिली एक नेशन है, वैसे सिंगापुर भी क्या एक नेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो रोंग है, सॉरी करेक्ट है, ठीक है। तो पहला है द टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ये तो गलत है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं होता है। उसके बाद है द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज
फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट है द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ये करेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन है द एटमोस्फेरिक प्रेशर रिमेन्स सेम फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ये बिल्कुल गलत है. तो यहाँ पे जो करेक्ट है ना ऑप्शन थर्ड है. ज्योग्राफी आप अच्छे से लर्न कर लेना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रंग भेद शब्द किससे संबंधित है. रंग भेद जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आ जाएगा नस्लों से जो है ये संबंधित है. ठीक है, धर्म से नहीं है, भावना से नहीं है, राजनीतिक से नहीं है. तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41. नेक्स्ट है पीलिया इनमें से किसका रोग है. ठीक है, ज्वाइंटिस जो होता है वो इनमें से किसका रोग है. इससे क्या होता है कि बॉडी जो है वो येलो कलर की हो जाती है. तो ये बेसिकली जो है वो लीवर की प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अगर मेरे से हो पाया तो मैं डाइजेशन सिस्टम की जो है ना वो वीडियो बना दूंगी, उसमें ये पॉइंट जो है आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. फिर से ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया. मैंने कहा ही था आपको कि इसमें जो है ना वो मिक्स है. एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा 15 मिनट तथा प्रवाह की विपरीत दिशा में 20 मिनट लेता है. ठीक है, तो प्रवाह का वेग कितना होगा. अ मैन कैन रो 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 20 मिनट्स एंड डाउनस्ट्रीम इन 15 मिनट्स. द स्पीड ऑफ करंट, ये आपको बतानी है धारा वेग की. जो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में ये मिनट में दे रखा है, इसको हम क्या कर लेते हैं किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, 1/20/60. तो ये होगी आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अगर हम बात करें सेम में तो 15/60 इसको चेंज कर लिया, यानी 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रभाव का वेग निकालना है. तो वो कैसे निकलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 1/2 और दोनों का डिफरेंस. तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. एक व्यक्ति 5,000 रुपये में के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है, उसे पहले वर्ष 10% का घाटा होता है, दूसरे और तीसरे वर्ष उसको 10% और 20% का लाभ होता है क्रमशः, तो तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना हुआ है, ये आपको बताना है. ठीक है, तो पहले साल उसको 10% का लाभ हुआ है, यानी 10 का सामान उसने 9 में बेचा, दूसरे साल उसको 10% का लाभ हुआ यानी 10 का सामान 11 में, उसके बाद अगले साल 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 यानी 5 का 6 में प्रॉफिट हुआ है. इनको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 500, ओके, नेक्स्ट आप 99 × 6 कर दोगे यानी 594. ठीक है, तो यहाँ पे 500 रुपये उसने निवेश किए थे और उसने इतना प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 94 रुपीज़ का हुआ है. बट हमें जो 500 रुपये हमारे वो क्वेश्चन के किसके बराबर है, 5,000 के. एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, 10, और 94 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी, 940. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, ओके. तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है थर्ड जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. किसी महीने में तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तो पांचवें सोमवार के दिन पूर्व कौन सी तारीख होगी. ठीक है,
तो पांचवा जो सोमवार है ना, उससे पहले कौन सी डेट है वो आपसे पूछी है। तीसरा जो थर्ड मंडे था उसका मतलब उस दिन कितनी डेट थी, 15 थी, क्योंकि उसने अगले दिन 16 बताई है। ठीक है, ऐसे आप इसमें 7 + 7 यानी 14 ऐड कर दोगे तो आपके पास पांचवी मंडे आ जाएगा। कब है पांचवा मंडे? 29 को। ठीक है, और 29 से पहले कौन सी डेट हो जाएगी? 28, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? भारत रत्न। इसकी जो शुरुआत है वो 1954 में की गई थी और सबसे पहले डॉक्टर राधा कृष्ण को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है, वह संख्या क्या होगी? ठीक है, इफ नंबर इज 5 टाइम्स एज ग्रेटर एज अनदर नंबर विच इज 4 < 20। ठीक है, 40 से 4 कम यानी 36 और 36 गुणा में 5 यानी 180। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 और 50, ये हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन देखो, सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? RBI। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा जो है वो एक जैसी है, सिमिलर है? ठीक है, यानी दोनों जो फॉलो करते हैं, तीनों सॉरी। तो पहला है लॉ ऑफ कर्मा, यानी जो कर्म में विश्वास करते हो। ठीक है, आत्मा की, दिस इज नॉट विजिबल फॉर मी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी और ब्राह्मण भी, तीनों ही धर्मों में ना कर्मवाद का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा है।